नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे, लेटवियन गैम्बिट के बारे में एक ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि सबसे वर्स्ट ओपनिंग ये है लेटवियन गैम्बिट। तो दूसरे ग्रैंड मास्टर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि कोई भी ओपनिंग खराब नहीं होता है, जो खेलने वाला प्लेयर होता है वो अच्छा या बुरा होता है, तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ओपनिंग के ऊपर नहीं। तो हम लोग देखते हैं लेटवियन गैम्बिट क्या है और उसमें का एक मिनी गेम देखते हैं। e4, e5, नाइट f3, f5, ये लेटवियन गैम्बिट होता है। ब्लैक f5 पॉन आगे करता है, गैम्बिट के लिए पॉन देता है और अपना कैसल भी डिस्टर्ब करके लेता है। तो इसमें अभी दोनों पॉन एक्चुअली मार सकता है। इसने ये जो गेम है छोटा सा, पॉल केरेस बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो ब्लैक खेल रहे हैं और ये गेम मैंने इसलिए चुना है कि इसमें ब्लैक ने गेम जीता है, क्योंकि ब्लैक के लिए खराब गैम्बिट है बोलते लोग, तो ये गेम ब्लैक ने जीता है। नाइट क्रॉस e5 कर दिया, नाइट c6, क्वीन टू h5 एंड चेक, ब्लैक को चेक, g6 पॉन इसने आगे लिया, मतलब यहाँ का कैसल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। अभी नाइट क्रॉस c6, ब्लैक को यहाँ पे एक अच्छी मूव थी, नाइट क्रॉस g6 थी, अगर इसे क्रॉस करता था ये नाइट को, ये जो h7 पे पॉन है वो मार नहीं सकता है, क्योंकि वो मारता है तो क्वीन से रूक मारा जाता है। तो ये रेड एरो से जो मूव दिखाई वो अच्छी मूव थी, लेकिन वो उसने की नहीं, उसने नाइट क्रॉस c6 किया, डी क्रॉस c6, डबल पॉन हो गया ब्लैक का, क्वीन e2, बिशप g7, ई क्रॉस f5, नाइट टू e7, पॉन को इसने थ्रेटन किया और यहाँ पे चेक भी था तो चेक भी निकाला। हाँ, ई क्रॉस f5 से चेक हुआ था ब्लैक किंग को, एफ क्रॉस g6, बिशप f5 थ्रेटन किया है पॉन को, लेकिन जी क्रॉस h7, क्वीन टू d7। अभी क्या है, यहाँ का पूरी तरह से ब्लैक का कैसल डिस्टर्ब है, तो ब्लैक ऑब्वियसली ये चाहेगा कि लॉन्ग कैसल करे क्वीन के साइड को, तो इसके लिए इसने क्वीन ये ऊपर ले ली d7 के ऊपर। तो इसने फिर से क्वीन h5 पे लाके चेक दिया किंग को। अभी यहाँ पे इनफैक्ट अच्छी मूव इसका ये थी कि d3 खेले और थोड़ा सा ये d3 स्क्वायर को सुरक्षित करे, क्योंकि क्वीन का भी यहाँ से अटैक है, बिशप का भी यहाँ से अटैक है और ये चेक देने में ऐसे कुछ मतलब नहीं था, लेकिन इसने चेक दिया बिशप टू g6, बिशप बीच ने डाल दिया, क्वीन h3, क्वीन एक्सचेंज करना चाहता है, क्वीन को थ्रेट किया, इसने नाइट f5 लेके ये थ्रेट निकाली, वो एक्सचेंज नहीं करना चाहता है ब्लैक क्वीन, क्वीन टू d3, फिर से इसने यहाँ क्वीन लाइव एक्सचेंज करना चाहता है, तो क्वीन f7, क्वीन c4, फिर से इसने क्वीन के पीछे पड़ा है, क्वीन f6, नाइट c3। अभी इसके लिए और एक अच्छी मूव थी कि क्वीन यहाँ पे लाके चेक देता, वो क्वीन e4 पे लाके चेक देता, लेकिन वो इसने नहीं किया, इसने नाइट खेला यहाँ पे, नाइट c3। अभी ब्लैक ने लॉन्ग कैसल कर दिया तो रुक का अटैक d5 पे हो गया, ओपन फाइल है रुक के लिए। इसने d3 खेला, अभी
एक्चुअली यहाँ पे D3 से ज़्यादा अच्छी मूव थी कि नाइट टू E4 करके क्वीन को थ्रेटन करना, तो इसने D3 खेला, रुक E8 लेके चेक दिया, बिशप टू E3। अभी बिशप के ऊपर ये नाइट का भी यहाँ से अटैक हो रहा है, और नाइट से बिशप अगर ब्लैक मार देता है तो ये पॉन से बिशप मारने से फिर रुक से आके चेक लगता है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छी मूव ये थी कि किंग को यहाँ से हिलाया जाए, किंग को D1 के ऊपर लेता था, वो अच्छी मूव रहती थी। बिशप टू E3 किया इसने, रुक क्रॉस E3 किया, देखिए रुक को सैक्रिफाइस कर दिया, एफ क्रॉस E3, नाइट क्रॉस E3, क्वीन E4। यहाँ से शायद A7 के ऊपर भी अटैक कर सकता है, A7 पॉन मार सकता है, फिर चेक देके ऐसे कुछ इसके मन में है। रुक F8, यहाँ पे इसने डबल फोर्स इकट्ठा किया, क्वीन और नाइट। अभी ये बिशप के ऊपर तीन अटैक है, ये नाइट का है, क्वीन का है, रुक का है, और डिफेंडिंग दो है। बिशप E2 इसने लिया ताकि अगर ये क्वीन नीचे आ जाती है तो ये स्क्वायर के ऊपर तीसरा अटैक हो गया बिशप का, बिशप दूर लेने से। लेकिन इसने क्वीन क्रॉस C3 कर दिया यहाँ पे और चेक दिया, बी क्रॉस C3, मतलब क्वीन उसने सैक्रिफाइस किया। लेकिन अभी एक मूव में मेट है, देखिए कौन सी मूव है, वीडियो होल्ड कीजिए। बिशप क्रॉस C3 और ये चेकमेट हो गया, चेक है। ये जो दोनों स्क्वायर है F2 और F1, ये रूक कंट्रोल कर रहे हैं, F1 को नाइट का भी कंट्रोल है, और ऑब्वियसली और यहाँ पे D1 के ऊपर भी किंग नहीं जा सकता क्योंकि नाइट से थ्रेट है। तो इस तरह से ब्लैक ने चेकमेट किया, और इस तरह से हमने लैटवियन गैम्बिट के बारे में जानकारी ली। बहुत डेंजरस है, खेलना नहीं अगर इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज हो ज़्यादा खेल के, तो तभी खेलना। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना।